मेरे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो टॉप किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरी तरफ से आपको रमज़ान मुबारक। तो बहुत दिन से मैंने ब्लॉग नहीं डाला था, वीडियो नहीं डाला था, तो आपको अभी वीडियो मिलने वाली है आपसे। आज से रमज़ान स्पेशल वीडियो चालू होने वाली है। तो रमज़ान हो चुका है चालू, आज 5 दिन हो चुके रमज़ान को, लेकिन मुझे ज़रा टाइम नहीं था, मेरा रोज़ा था और ज़रा पेपर भी थे मेरे को, तो पेपर थे, पढ़ाई करना पड़ता था मुझे, तो उसके लिए मुझे टाइम नहीं मिला। लेकिन आज से आपको दिखा दूंगा मैं रमज़ान स्पेशल वीडियो चालू होने वाला आज से। तो आपको रमज़ान में जो अलग अलग डिशेज बनाई जाती है, जो हफ्ता में बनाए जाते हैं अलग अलग डिशेज, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो आज से चालू करेंगे रमज़ान स्पेशल वीडियो। तो रमज़ान स्पेशल वीडियो का फर्स्ट रेसिपी, इसका नाम है साबूदाना वड़ा। तो आज हम वो बनाने वाले हैं, फर्स्ट रेसिपी साबूदाना वड़ा रमज़ान स्पेशल में। चलिए देखते हैं क्या क्या लगता है सामग्री। तो चलिए, हमने तो ये ले चुके हैं टोप और उसमें साबूदाना डाल चुके हैं। हमने रात भर साबूदाना मिला चुके थे, भिगा चुके थे, हमने रात को रखे थे और अभी पानी निकाल चुके हैं। मतलब एक दिन, मतलब एक रात इसको भिगाना चाहिए तो अच्छे से साबूदाना नरम हो जाता है। तो देख सकते हैं, अब इसमें हम नमक डालेंगे और अब इसमें थोड़ा सोडा डाल देंगे, खाने का सोडा डाल देंगे। अब इसमें हमने बटाटा डाल चुके हैं, इसको मैश कर लेंगे बटाटे को। अब इसमें मिर्ची डाल देंगे थोड़ी सी, ये 3 मिर्ची डाल चुके हम लोग ने। आप आपकी आपके अंदाज से डाल सकते हैं, आपको कितना तीखा चाहिए उसके हिसाब से आप डाल सकते हैं। बटाटे को हमने मैश कर चुके थे, अब इसमें डाल देंगे बटाटा, मैश करेला बटाटा है ये, देख सकते हैं आप। अभी अच्छे इसको अच्छे से मिला लेंगे। तो हम लोग शेंगना डाल रहे, देख सकते हैं बारीक शेंगना पीस चुके, अब इसमें डाल देंगे, देख सकते हैं अभी शेंगना डाल चुके हैं और थोड़ा डाल देंगे शेंगना उसमें। अभी अच्छे से हो जाएगा, अभी अच्छे से मिला के फिर इसको वड़ा टाइप ऐसा कर देंगे, अपनी डो बना लेंगे इसका, फिर हम ट्रे में फ्राई कर देंगे, देख सकते हैं आप। देख सकते हैं ऐसे गोल करना है आपको वड़े को, और थोड़ा सब छप छपटा कर देंगे बाद में, और फिर हमें तेल में डाल देंगे। पहले इसको ऐसा गोल कर दो, देख सकते हैं अभी हम लोगों ने गोल कर चुके डो को, और फिर इसको ऐसा प्रेस कर देंगे ऊपर से, देखो ऐसा, तो ऐसे ही चप। देख सकते हैं रेडी हो चुके हमारे साबूदाना वड़े, कितने अच्छे बने देख सकते हैं, एकदम अच्छे से बने, स्मूथी बने, कड़क भी बने जरा, देखिए कड़क भी बने, कितने अच्छे बने देख सकते हैं आप साबूदाना वड़े। साथ में सॉस है, देख सकते हैं हमारे रमज़ान स्पेशल डिश पहले रेडी हो चुके साबूदाना वड़े। कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरे को इंस्टाग्राम में फॉलो भी करिएगा। मेरे इंस्टाग्राम का आईडी है टॉप किचन, तो मुझे फॉलो जरूर करिएगा। तो जल्दी मिलेंगे नई वीडियो के साथ रमजान की तीसरी रेसिपी लेकर। तो जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।